नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे हमको क्या लगा, पूरी एक साल लगी। तो मतलब कि 95% इंटरफेस ले ले रहा है, मतलब कि इंटरफेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 95% क्या काम कर रहा है, इंटरफेस में सारा काम हो रहा है। बट जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन क्या होगा, आपका जैसे ही रिजल्ट आया तो भाई तुरंत ठीक है कुछ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फंडा, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर आरजू कुशवाहा। आज हम 2024 के लिए, नीट 2024 के लिए फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है सेल साइकिल। क्योंकि सेल साइकिल थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, तो हम बड़े ही इजी वे में समझने वाले हैं सेल साइकिल क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सेल साइकिल हम क्यों कह रहे हैं, साइकिल तो मतलब मान लो कोई भी साइकिल चल रही है, लाइफ साइकिल ले लो, ठीक है। तो सेल जो भी साइकिल चल रहा है, सेल का बनना बिगड़ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि एक सेल ना दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, डॉटर सेल बना रही है, और फिर ये वाले सेल्स और डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है, फिर ये वाले सेल्स भी बनाएंगे, तो ऐसे करके ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेल साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। सेल साइकिल में ना तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होगी ना, वो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ओके। उसके बाद में होती है कैरियोकाइनेसिस, क्या होती है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा हो गया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझते हो, कैरियो मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, काइनेसिस का मतलब हो गया काइनेस, ठीक है, काइनेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है काटना, ठीक है। तो देखो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। एंड द थर्ड वन इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो काइनेसिस से तो समझ में आ गया तुमको टूटना, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको सेल साइकिल के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या होंगी, पहले हमको डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कैरियोकाइनेसिस करानी पड़ेगी, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, एक सेल्स थी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इसी पूरे को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा हो जाएगा सेल साइकिल, ओके। अब देखो सेल साइकिल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहला तो सेल साइकिल इरेज हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज। एंड द सेकंड वन इज एम फेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेटाफेज, ओके। अब देखो पहले के मतलब पहले पुराने टाइम में जब ज्यादा खोज नहीं हुई थी इसके बारे में, तो क्या लगता था कि एम फेज तो सारा ही काम करता है, ठीक है, क्योंकि एम फेज तो सारा ही काम कर रहा है, बट जो इंटरफेज है ना वो कुछ नहीं कर रहा। मतलब ऐसे मान लो कि जैसे अभी हम है ना, तो हम अगर सो रहे हैं तो पेरेंट्स को क्या लगता है, बस फोन चलाता है, सोता रहता है, कुछ नहीं करता है। बट उनको ये नहीं पता है कि हम फोन में भी अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, वो बात अलग है कि हम टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, बट हम ना प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सोते नहीं है अकेले, सोते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो इंटरफेज ना वही वाली फेज है, और ये मतलब ऐसे मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रिपरेशन हो रही है नीट की यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया है। तो जब सिलेक्शन हुआ तो सबको दिखाई दे रहा है, प्रिपरेशन हुई तो वो वाला फेज किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे ही था कि पहले किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंटर फेज में क्या रहता है, अब नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे हमको क्या लगा, पूरी एक साल लगी। तो मतलब कि 95% इंटरफेस ले ले रहा है, मतलब कि इंटरफेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 95% क्या काम कर रहा है, इंटरफेस में सारा काम हो रहा है। बट जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन क्या होगा, आपका जैसे ही रिजल्ट आया तो भाई तुरंत ठीक है कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाए कि आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है, बहुत खुशी होगी। बट अभी 95% पूरी साल हमें बिना कुछ सोचे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वैसे ही इंटरफेस का काम है ये, ओके। तो क्या हो रहा है, इंटरफेस 95% कवर करती है और मेटाफेस सिर्फ 5% कवर करता है, ओके, समझ में आ गया। और ये जो 95% किसके लिए हम कर रहे हैं, मेटाफेस के लिए हम 95% काम कर रहे हैं, मतलब कि सेल मेटाफेस करने के लिए इंटरफेस को 95% दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अब इसमें 95% लग रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, ओके, समझ में आ गया।
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि एक्चुअल खुशी और सिलेक्शन हमें मिलेगा एम फीस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इंटरफेस के भी कुछ पार्ट्स हैं, इंटरफेस के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला हमारा है क्या है बताओ, G1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैप वन, ठीक है, तो G1 हो गया गैप वन। दूसरा हमारा क्या है, एस फेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, G2 मतलब हो गया गैप टू, ओके, तो यहाँ पे गैप टू फेज हो गया। एस मतलब क्या हो जाएगा, सिंथेसिस, यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, एस मतलब क्या है, सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, DNA रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, DNA रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एम फेज की बात करेंगे तो एम फेज के भी यहाँ पे कितने हमको फेज दे रखे हैं, 4 फेज दे रखे हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 फेजेस हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फेज हैं बताओ, चलो अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ, पढ़ा तो हो गई आपने, ठीक है। पहला है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, ओके, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, ये मेटाफेज की बात आएगा, ठीक है। एनाफेज, वहां पे स्पेस नहीं था तो यहां लिख दिया, ठीक है। एनाफेज की बात क्या आएगा, टीलोफेज, ठीक है, तो ये सारे फेजेस हो गए इसके, चाहे आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, तो टीलोफेज हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, यहां लिख देती हूँ मैं 1, 2, 3 एंड टीलो इज द लास्ट वन, ओके, नोट कर लो इसे पहले। चलो एक बार हम ना साइकिल बना के भी देख लेते हैं, ओके, तो मैं एक बार साइकिल बना के दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी पूरी सेल साइकिल, इसमें बनाएंगे, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा, इससे लिखते हैं G1, ठीक है, ये है हमारा सिंथेटिक फेज, ठीक है, एंड द दिस वन इज G2 फेज, और ये बाकी बचा, यहाँ पे हो रही है हमारी साइटोकाइनेसिस, क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, ओके, और ये G1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये हमारी क्या है, एम फेज है, एम फेज के अभी मैंने आपको कितने टाइप बताए थे, 4 फेजेस बताए थे, कौन कौन सा हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज, ठीक है। और एम फेज कितना कवर कर रहा था, 5% कवर कर रहा है सेल साइकिल का, एंड ये पूरा क्या है, G1S एंड G2 क्या है, अरे आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी बच्चों, चलो देखो अभी मैं फिर से समझा देती हूँ, ओके, देखो तो ये एम फेज है हमारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज कितना, सॉरी मेटाफेज कितना कवर कर रहा था, तो एम फेज हमारा कवर कर रहा है 5%, ठीक है, और ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, यहां से G1 से लेके G2 तक क्या है, इंटरफेज है, और ये 95% सेल साइकिल कवर करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइटोसिस, ठीक है। अच्छा माइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जितने आप क्रोमोसोम यूज करोगे स्टार्टिंग में आपको उतने ही मिलेंगे, इसका मतलब है डिवीजन कितना हो रहा है, इक्वली हो रहा है। अब देखो कैसे होगा, अभी लास्ट में मैं आपको भी पूरा बताऊंगी, ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक सेल है जिसके पास, बना देती हूँ स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे एक सेल है जिसके पास में क्रोमोसोम है, ये ठीक है, क्रोमोसोम, ओके, ये कहाँ से आ रही है मक्खियाँ, चलो छोड़ो। अब ये देखो सेम है तो कैसे हैं, ये होमोलोगस, ठीक है, तो ये कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ओके, और हैं कितने, ये 4 है ना, ये देखो ये भी एक है, ये एक, ये एक, ये एक, तो कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये है एक, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों में से क्रोमोसोम कौन सा है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से क्रोमोसोम है कौन सा। देखो ये दोनों ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सिंगल है, ये डबल है, बस ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये हैप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ लिख दूँ मैं हैप्लॉयड, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बस, ठीक है, और ये डिप्लॉयड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये देखो किसी से भी बाइंड नहीं कर रहा, तो ये अलग अलग हैं, और कैसे हैं, होमोलोगस है, क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ पहले।
तो ये जो बात चल रही है, ये बात चल रही है हमारे जीवन फेज की बात चल रही है। तो ठीक, जीवन फेज में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4 हैं। अरे भाई मक्खी मर के मानेगी। तो देखो अब अगर और नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए पूछेंगे तो कितने हैं, कॉपी पूछे ना, नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज पूछे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए कितने हैं, यहाँ पे हैं 2, ठीक है। तो कॉपी ऑफ डीएनए कितने हैं, 2, ओके। अब देखो अब आ जाओ एस फेज में। एस फेज में हमने क्या बोला था, सिंथेटिक फेज है, ठीक है, एस फेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे। तो अभी ये कैसे थे, हैप्लॉइड थे, अब यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, ओके। तो क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो गए, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, कैसा है, डिप्लॉयड है, ओके। आप देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितने हो गए, 2N4C, समझ में आ गया। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है बीवी, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। कितनी है, 4 हैं, ये देखो 4 है ना, नंबर ऑफ कॉपीज 4 हैं। अब आ जाते हैं हम G2 फेज में। G2 फेज में देखो कुछ नहीं होता है, बस कुछ बेसिक प्रोटीन्स बनते हैं और सेम डिट्टो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसा एस फेज के अंदर है। बट फिर भी हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे इसे। देखो G2 में ऐसा होएगा, बना दो सेम स्ट्रक्चर, बट ये डिप्लॉयड है, देखो। तो ये हो गया G2 फेज के अंदर सम प्रोटीन्स बन रही हैं, यहाँ पे सम प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग, ओके। तो ये G2 हो गया। उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं एम फेज के अंदर। तो एम फेज का हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो देखो देखो प्रोफेज में क्या हो रहा था, हम पहले प्रोफेज बना लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं, ठीक है। देखो प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स अभी कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। कॉपी ऑफ डीएनए कितने हैं, 4 हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, ओके। और जो ये क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, मतलब कि क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है इसका। तो जब हम मेटाफेज में एंटर कर रहे हैं, मेटाफेज में आ जाओ आप, ठीक है। देखो मेटाफेज में आ रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का हो गया, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है। तो एक टाइप का एक जाल सा बन जाता है क्रोमोसोम्स, ये एक रह गया, ऐसे करके ये ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पर अभी भी क्या देखेंगे हम, क्रोमोसोम्स भी 4 हैं, ठीक है, और डीएनए भी कितने हैं, 4 हैं अभी तक, ओके। अब हम आ गए एनाफेज में। अब एनाफेज में क्या हो गया, अब ऐसे मान लो कि इनको ना कोई खींच रहा है, ये हमारे डिप्लॉयड क्रोमोसोम है ना, तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम को कोई खींच रहा है ऐसे दोनों साइड से, यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, मतलब एक टाइप का अधेशन टाइप कुछ प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हाँ ये सॉरी मेटाफेज है। अब देखो एनाफेज में आ जाते हैं हम, एनाफेज, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होगा, अब ऐसे मान लो कि एनाफेज तक ज्यादा फोर्स लग चुका है, ठीक है, तो ये क्या थी, ये अलग अलग हो गए हैं क्रोमोसोम्स, थोड़ा अलग हो गए हैं, ओके। तो अभी तक ये डिप्लॉयड थे, अभी ये हैप्लॉयड हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स अब कितने हो गए हैं बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ समझाया था। तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो गए हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, क्योंकि अभी ये हैप्लॉयड हो चुके हैं, ठीक है ना। और डीएनए की कॉपी कितनी है, डीएनए कॉपी तो 4 ही रहेगी ना, तो डीएनए कॉपी कितनी है, 4, ठीक है। अब टीलोफेज की बात करेंगे, तो टीलोफेज में क्या हो जाता है, टीलोफेज, ओके, टीलोफेज में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, फिर से आ गई है,
ठीक है। अब इतनी सारी चीजें ये कंडेंस हो गई, बस यहाँ पे क्या बचा, क्रोमोसोम बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया टेलोफेज में, अब क्या होगा, अब इसके बाद में टेलोफेज हो गया, अब इनमें होगी साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, मैंने बोला था ना साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, अब साइटोप्लाज्म यहां से डिवाइड कर जाएगा और यहां पे बना ली जाएंगे दो डॉटर सेल्स, ठीक है, जिनके पास कितने कितने चार चार क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। ये क्या हो गई, डॉटर सेल्स बना ली है, ठीक है। डीएनए की कॉपी कितनी है, दो दो डीएनए कॉपी है, और क्रोमोसोम्स कितने हैं, चार हैं, ओके। तो ये हमारा पूरा था, क्या हो गया था, ये हमारा पूरा हो गया, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। आप देखो माइटोसिस में मैंने स्टार्टिंग में बोला था इक्वेशनल डिवीजन, तो इक्वेशनल डिवीजन में आपको स्टार्ट होगा, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिए थे स्टार्टिंग में, जो कितने थे, चार थे, ठीक है, चार ही क्रोमोसोम्स लिए थे स्टार्टिंग में, याद है कुछ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डॉटर सेल्स को भी चार ही क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है ये है कि इक्वली इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है, दोनों में इक्वली इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं। तो आपको माइटोसिस आई होप समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे मियोसिस, ये मार्कर ही नहीं चल रहा है, चलो हम ब्लू वाला यूज कर लेते हैं। तो मियोसिस, ठीक है, मियोसिस स्टार्ट करें। मियोसिस में क्या होता है, टू फेजेस हैं इसके, ठीक है, टू फेजेस, ओके। एक तो हो जाता है हमारा मियोसिस वन, ठीक है, और दूसरा है हमारा मियोसिस टू, ठीक है। अब देखो मियोसिस वन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, देखो ध्यान से समझना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। और दूसरे को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो हमने अभी, पता है, अभी हमने माइटोसिस पढ़ा था, मियोसिस कुछ माइटोसिस के जैसा ही है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए कंटेंट है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पे, डीएनए कंटेंट विल सेम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शनल का मतलब है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या रहेंगे, क्रोमोसोम विल हाफ, ठीक है, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डीएनए कंटेंट सेम रहेगा, यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है ना, अब हम देखेंगे इसमें मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है, इसके भी टाइप हैं, इसके चार टाइप हैं, ठीक है, तो पहले हम टाइप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, नहीं हम पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक हमारी कुछ ऐसी है, देखो इसे याद कर लेना, ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ओके। देखो ट्रिक है, लता जरा पानी दे दो, ठीक है। अब देखो लता से हमारी हो रही है लिप्टोटिन, ठीक है, कौन सी फेज है, लिप्टोटिन फेज है, एक लिप्टोटिन फेज, ठीक है, बहुत आसान हो गया याद करना। जेड है, जेड से है जाइगोटिन, वैसे तो ये सब याद रहती हैं बच्चों को, ठीक है, पर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आगे पीछे कौन सा आ रहा है, ठीक है। पी से है पैकाइटिन, ठीक है, पैकाइटिन मतलब पैकेजिंग भी समझ लो आप इसे, ठीक है, पैकाइटिन, ठीक है, पैकाइटिन फेज हो गया। और डी से हो जाएगा हमारा डिप्लोटिन, ठीक है, डिप्लोटिन, और लास्ट वाला डी से क्या है हमारा, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ओके। तो ये ट्रिक थी इजी सी, अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस, इसको पहले नोट कर लो। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे लिप्टोटिन, तो लिप्टोटिन में कुछ खास नहीं हो रहा है, ये एक सेल है साइटोप्लाज्म है और ऐसे ही क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। बट अब बात करें हम जाइगोटिन की, ठीक है, तो जाइगोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और एक और क्रोमोसोम है ना, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं ऐसे करके, मान लो अब ये वाला मार्कर पता है खराब है, तो ये दोनों ऐसे करके, अभी मैं दूसरा बना देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कुछ, एक मिनट, ये रहा क्रोमोसोम, ये रहा
ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो रहे हैं, दो क्रोमोसोम्स पास आ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, अटैचमेंट हो रहा है इनके अंदर। मतलब ऐसे मान लो ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, पैचअप हो गया, ठीक है। अभी नई नई लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, अपना ध्यान से सुनना कि हो क्या रहा है। अब लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब कि एक बढ़िया सी प्रेम कहानी स्टार्ट हो रही है। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, है ना। और ये कैसे हो गए हैं, बायवेलेंट हो गए हैं, दो हैं बायवेलेंट, मतलब कि अब क्या होगा, अब इनके दो नाम के एक नाम बन जाएंगे और वही इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, ये कहानी हमारी कहाँ हो रही है, जाइगोटिन में स्टार्ट हो रही है। लिप्टोटिन में ऐसे मान लो कि सिंगल पड़े हुए थे, कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से फोन वोन चलाया और वही फिर कहानी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखो, अब आ जाता है पैकाइटिन में, ठीक है। पैकाइटिन में स्टोरी थोड़ी सी गलत हो गई, इतनी भी गलत नहीं हुई बट थोड़ी सी गलत हो गई। अब पैकाइटिन में क्या हो रहा है, गलत नहीं हुई, अच्छी चल रही है वैसे तो अभी तक। देखो पैकाइटिन में क्या हो रहा है, अभी ना शेयरिंग चल रही है, शेयरिंग केयरिंग, यू नो, तो मतलब वही खाना पीना साथ में, तो शेयर करेंगे, बर्गर खाएंगे तो साथ में खाएंगे, तो ये सारा चल रहा है, मतलब अभी तक मस्त मामला चल रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और इनकी शेयरिंग केयरिंग चल रही है, तो शेयरिंग केयरिंग चल रही है तो ये क्या करेंगे, कितना गंदा क्रोमोसोम बनाया है मैंने, तो यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग चल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दो मतलब ऐसे मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनका केयरिंग वेयरिंग बहुत चल रही है, तो ये क्या करेंगे, कुछ अपना पार्टनर एक दूसरे को शेयर कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इनके पास ना कुछ पार्ट रह जाता है। अब क्या हुआ, अब हो गई इनमें लड़ाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दो शेयरिंग, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर हो गई क्रोमोसोम्स के अंदर। अब हम बात करेंगे डिप्लोटिन की, तो डिप्लोटिन का एक तो मतलब ये समझ लो कि ये थोड़े से डबल हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पार्ट अपना शेयर कर दिया है, ठीक है, कियाज़मेटा बन गया, ठीक है। पर अब हमेशा तो साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना, अब इनका ब्रेकअप भी तो होना है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हो गया है इनका ब्रेकअप, बट फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत यादें व्यादें बची हुई हैं इनकी, तो वही इनका चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कियाज़मेटा, ठीक है, ये क्या है, कियाज़मेटा है, बट अभी भी ठीक है, थोड़ी बहुत यादें व्यादें बची हुई हैं, पर चल रहा है, बट लेकिन हो गया इनका ब्रेकअप है, ठीक है। अब बात आती है डाइकाइनेसिस की, डाइकाइनेसिस में स्टोरी एकदम एंड है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं जगह है डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं, बट अलग तो हो गए हैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पार्ट तो रह ही जाएगा, मतलब अभी थोड़ी सी यादें व्यादें बची हुई हैं। तो ये होता है डाइकाइनेसिस का काम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये छोटी सी लव स्टोरी थी और ब्रेकअप पे आके खत्म हो गई, ओके। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया, ठीक है ना, अब एक नया सा क्रोमोसोम बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अब हमारा ये क्रोमोसोम है, अब ये एंटर करेगा मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज में क्या होगा, फिर से वही कियाज़मेटा बनेगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज में एकदम ही डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो मेटाफेज वन में क्या होगा, मेटाफेज वन फिर से सेम चीज होगी, अभी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो हमारे बायवेलेंट क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेन में लग जाएंगे, अलग अलग साइड पे, ठीक है, अपोजिट पोल्स पे। तो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, फिर से वही मान लो कि एक फोर्स लग रहा है इनके ऊपर और ये इन्हें क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, इनको अलग करने के लिए खींच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेटाफेज वन, ठीक है। अब देखो मेटाफेज की बात आती है एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम थे अब वो पूरी तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफेज में अलग अलग हो रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है, ये देखो अलग हो गए और इन्होंने क्या बना लिया, ठीक है, ये हो गए अलग अलग हो गए, बायवेलेंट ही हैं अभी तक, ठीक है, बायवेलेंट है। और ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्रोमोसोम भी कितने हैं यहाँ पे, अभी चार हैं
और कॉपी ऑफ डीएनए कितने हैं, चार ही हैं, ठीक है, समझ में, कॉपी ऑफ डीएनए भी चार हैं। टेलोफेज में क्या होएगा, टेलोफेज में वही अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और दो सेल्स बन जाएंगी टेलोफेज में, और क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, ये इतना अलग होगा, तो यहाँ पे भी बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन रहे हैं, ठीक है, कितने हैं, दो दो क्रोमोसोम है बस, ठीक है। कॉपी ऑफ डीएनए कितनी होगी, दो होगी, और क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे, टू ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, मैंने बोला था रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल का मतलब क्या है, चार से आपको मिल रहे हैं दो, ठीक है, डॉटर सेल्स में कितने मिले, दो ही मिले ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया रिडक्शन, इसीलिए हम क्या बोल रहे थे, इसे बोल रहे थे हम रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब म्यूसिस सेकेंड हम देखेंगे, म्यूसिस सेकेंड में ना रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, तो हम रेप्लिकेशन कराने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो म्यूसिस टू, ठीक है, म्यूसिस सेकेंड में क्या होएगा, अब ये लो, हमने इनको ले लिया, ये सेल्स थी, हमने इनको ही ले लिया, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं, मेटाफेज में आ जाते हैं, मेटाफेज में सेम वही प्रोसेस होगी, दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होगा, यहां से ये, अब ये दो दो है ना, दो, तो दो दो भी वही सेम चीज होगी, ये भी इसे खींचेगा और इसे अलग करना चाहेगा। अब ये अलग करना चाहेगा तो कैसे अलग हो जाएगा, एक एक अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि क्या थे, बायवेलेंट थे, बायवेलेंट से अब क्या बन गए हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एनाफेज में ये अलग हो गए, ठीक है। एनाफेज में होने के बाद इनका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, जैसे हो रही थी साइटोकाइनेसिस होगी, डॉटर सेल्स बनाएगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, अब कितने क्रोमोसोम्स बचे इस पे, दो बचे, और वो भी कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉपी ऑफ डीएनए कितने हैं, दो है, कॉपी ऑफ डीएनए कितनी है, टू है, ठीक है ना, समझ में आ गया, और क्रोमोसोम्स भी टू है, ठीक है, सॉरी कॉपी ऑफ डीएनए कितना है, एक ही तो है भाई, एक ही है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स है दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स दो है, कॉपी ऑफ डीएनए एक है। सेम प्रोसेस हम इस वाले का भी देखेंगे, इस वाले का भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, मेटाफेज हुई, एनाफेज हुई और डॉटर सेल्स ऐसे ही बने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हमने क्या बोला था, बिल्कुल माइटोसिस के जैसे है, माइटोसिस के जैसे कैसे, अब यहाँ पे ये डायग्राम मैं तुमको यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। एक तो हमारे क्रोमोसोम से इतना गंदा बनता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या था, आपको हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, अरे नहीं नहीं ये दो ही बनेंगे इसमें ना, हम ये वाला डायग्राम बना रहे हैं ना, तो दो दो ही बनेंगे, बायवेलेंट बना दो दो। तो देखो अब हम यहाँ पे इक्वेशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम्स थे, दो क्रोमोसोम्स ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम इसीलिए हम बोलते हैं कि मियोसिस सेकेंड बिल्कुल होता है माइटोसिस के जैसे। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि माइटोसिस में भी बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, जितने क्रोमोसोम्स हम दे रहे थे और उतने ही हमको डॉटर सेल में प्रेजेंट मिल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सेल साइकिल थी, ऐसा नहीं है कि सेल साइकिल हम बस अभी ही पढ़ रहे हैं, अभी हम आपकी ये सेल साइकिल बिल्कुल जो हमारा एनसीईआरटी लाइंस है ना उसके थ्रू भी पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको ऐसे ही बेसिक्स इसके बता दिए सेल साइकिल के, जिससे कि हम आगे दोबारा पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो समझ में आ जाएंगी इजीली। तो मतलब ये है कि सेल साइकिल अभी थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, अभी भी हो सकता है कि अच्छे से समझ में ना आया, होता है होता है, सेल साइकिल थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लगती है हमको, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना इतने सारे इनके फेज हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो और हमारा सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारा सेशन आपको स्टार्ट होगा वो आपको एक अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी, बट ये अभी मैंने सोचा कि आपको सेल साइकिल थोड़ा सा मतलब उतना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं सेल साइकिल का, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।